Good morning, children. Today in this part we will study about Prime Minister, okay, and his Council of Ministers. Till the previous video we have studied about the executives, and in the executives we I have covered the topics of President and Vice President. Okay, now the topic of Prime Minister and his Council of Ministers. Now, the President of India is a constitutional executive head. The real executive authority of the Union is exercised by the Prime Minister and his Council of Ministers. I have told you that the President is the signing authority of our country, whereas the working authority, hum jo bolte na, jo kaam kaj kar raha hai, wo kaun kar raha hai? Prime Minister and his Council of Ministers. Okay, all these are working for our country. India has adopted a कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया ने एक कैबिनेट मिनिस्ट्री भी है इंडिया की. ओके, नाउ व्हाट आर कैबिनेट मिनिस्टर्स, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. ओके, देन आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द हेड टू एडवाइज द प्रेजिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस. ओके, प्रेजिडेंट काम करता है विद द एडवाइस ऑफ Prime Minister and his Council of Ministers. The office of the Prime Minister has been created by the Constitution. Prime Minister kaise chuna jayega? That everything is written in the Constitution. The Prime Minister is appointed by the President. The procedure pura follow karne ke baad Prime Minister tay kiya jata hai ki yes, this person will become the Prime Minister. But unko appointment letter kaun deta hai? Hamara President. Generally, the President has no choice in the appointment of the Prime Minister and invites the leader of the majority party in the Lok Sabha for this office. I have explained you ki Prime Minister kaise chuna jayega. Okay, through direct elections we select the members of Lok Sabha. Then Lok Sabha mein constituents wise number of seats allotted hoti hain. Un seats mein se ek ek person, ek constituency mein se ek person jeetta hai. वो लोकसभा का मेंबर बनता है. देन जिस पार्टी के ज़्यादा सीट्स होंगे या जो ज़्यादा लोग जीते होंगे तो वो पार्टी रूलिंग पार्टी मानी जाती है, जिनके नंबर ऑफ सीट्स विल बी मोर और मैक्सिमम. देन फ्रॉम दैट रूलिंग पार्टी वो अपने में से तय करेंगे कि हम अब इस पर्सन को हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे. ओके, जैसे अब हमारी रूलिंग पार्टी बीजेपी है क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम सीट्स हासिल की है हमारी कंट्री की. ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. और देन बहुत सारे लोग, मतलब मैक्सिमम लोग उनकी पार्टी के हैं, तो नेचुरली प्राइम मिनिस्टर भी उसी पार्टी का बनेगा. सो अमंग देमसेल्व्स दे विल चूज हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर. ओके, सो दिस प्राइम मिनिस्टर इज चूजन थ्रू इलेक्शंस. बट अब उनका अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा? प्रेजिडेंट. तय तो इलेक्शंस के थ्रू हो जाता है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, बट देन द अपॉइंटमेंट लेटर, जो ओथ होती है, शपथ दिलवाने का काम, वो कौन करता है? द प्रेजिडेंट. नाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर? द फर्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. पहले उसको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना जरूरी है. इफ ही इज नॉट, ही मस्ट बिकम विद इन सिक्स मंथ्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. अगर वो पहले से नहीं है और वो चुना गया है प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए, तो उसको मेंबर 6 महीने का टाइम दिया जाता है. विद इन दैट 6 मंथ्स ही हैज टू बिकम द मेंबर ऑफ दैट पार्टी ऑफ दैट हाउस. लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और वन हु एंजॉयज द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा. मैंने बताया जो पार्टी के मैक्सिमम सीट्स होंगे उनमें से वो चुनेंगे अपना एक लीडर और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द विल एस्टैब्लिश्ड विद द वेल एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस ऑफ इनवाइटिंग द लीडर्स ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा. अपॉइंटमेंट कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेगा लोकसभा में? जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होंगे, जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, उनमें से वो अपना लीडर इलेक्ट करेगा और प्रेसिडेंट उसको प्राइम मिनिस्टर चुनेगा. प्रेसिडेंट हैज डिस्क्रिशनरी पावर्स व्हेन नो पार्टी और कोएलिशन कमांड्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर.
प्रेसिडेंट को कब हक बनता है प्राइम मिनिस्टर चुनने का? जब कोई पार्टी फॉर्म नहीं होती है या कोई पार्टी जीतती नहीं है, इज़न्ट इट, लोकसभा में कोई पार्टी जीत नहीं रही है और कोएलिशन से मतलब मिक्सिंग अप से भी कोई पार्टी का लीडर नहीं बन पा रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर, तब प्रेसिडेंट चुनेगा अपने पावर से कि अब मुझे ये पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर चाहिए। नाउ द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर थियोरेटिकली होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही उनको चुनता है मतलब अपॉइंट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट। Actually, the Prime Minister stays in office as long as he enjoys the confidence of the Parliament. The normal term is for 5 years, but it is automatically reduced if the House is dissolved earlier. Normal term of Prime Minister is 5 years. जब तक पार्टी चलती है, रूलिंग पार्टी चलती है, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, 5 years तक कामकाज करेगा। Then again, the elections are being held, वापस से नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। लोग उसी पार्टी को चुनेंगे तो उसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर वापस से भी आ सकता है। नाउ द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ही हैज गॉट द लेजिस्लेटिव पावर्स एंड द एग्जीक्यूटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स फिक्सेस द प्रोग्राम्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, दोनों हाउसेस को, लोकसभा को और राज्यसभा को, ऑल दिस इज वर्क इज डन बाय प्राइम मिनिस्टर। मेक्स इम्पॉर्टेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स इन द पार्लियामेंट, जो भी पॉलिसीज तय होती हैं वो कौन बताता है पार्लियामेंट में? प्राइम मिनिस्टर बताएगा वॉट एवर आर द पॉलिसीज बींग डिसाइडेड। डिफेंस द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, वाई दीज पॉलिसीज आर राइट, वॉट बेनिफिट द कंट्री विल गेट विद दीज पॉलिसीज, वो अपनी पॉलिसीज को राइट प्रूव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलता है। देन ही इज द डायरेक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ओके, जो भी फॉरेन पॉलिसीज बनानी है, डील करना है विद द फॉरेन कंट्रीज, ओके, व्हाट आर द एग्रीमेंट्स बीइंग साइंड, ये सब कौन देख रहा है? प्राइम मिनिस्टर। डायरेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी पूरी कंट्री का इकोनॉमी कौन संभाल रहा है? यस, फाइनेंस मिनिस्टर इज देयर, बट फाइनेंस मिनिस्टर भी जो रूलिंग पार्टी है उसका बनता है, और रूलिंग पार्टी का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। लीडर ऑफ द लोकसभा, ओके, ही इज द मेन लीडर ऑफ लोकसभा। रिकमेंड्स डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा, अगर लोकसभा काम रूलिंग पार्टी काम नहीं कर पा रही है तो पूरे पार्टी को डिसॉल्व करना है तो वो लोकसभा में बोलेंगे कि हम अपनी पार्टी, या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो वो पार्टी डिसॉल्व हो जाती है, या इवन लोकसभा को डिसॉल्व करना है, पूरा लोकसभा ही डिसॉल्व हो जाएगा ना अगर रूलिंग पार्टी नहीं काम कर पा रही है, तो ही इज़ द वन हु रिकमेंड्स इट। नेक्स्ट आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपॉइंट्स एंड रिमूव्स द डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर्स। अब प्राइम मिनिस्टर के अंडर में देर आर कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ही विल अपॉइंट के हु विल टेक द चार्ज ऑफ विच मिनिस्ट्री, कौन कौन सी मिनिस्ट्री संभालेगा, और वो उनको पोर्टफोलियोज देता है। पोर्टफोलियोज आर द फाइल्स कंटेनिंग द वर्क, कि कौन क्या काम करेगा, उनको किस हिसाब से काम करना है, आगे के प्लान्स बताना, ऑल दिस इज बीइंग रिटन डाउन इन पोर्टफोलियोज। सो द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स। प्रिसाइड्स द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट की मीटिंग्स होती है तो ही इज द वन हु प्रिसाइड्स द मीटिंग, प्रिसाइड मीन्स ही इज द हेड ऑफ द मीटिंग्स। लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन प्रिपेयर्स द लिस्ट ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स सच एज दोज गवर्नर्स, जजेस ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट, मेंबर्स ऑफ UPSC, इलेक्शन कमीशन, एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स। दीज अपॉइंटमेंट्स आर हाउएवर मेड बाय द प्रेसिडेंट, ही इज द वन हु विल डिसाइड कि अपॉइंटमेंट किसको देना है, हु इज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, देन UPSC का, ही इज देयर टू एडवाइज, ही इज देयर टू रिकमेंड, वो सब बताएगा, बट अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन बाय प्रेसिडेंट। नाउ अंडर हिम आर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर के नीचे बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, लाइक चीफ मिनिस्टर्स आर देयर, देन अंडर हिम द डेप्यूटी मिनिस्टर्स आर देयर, देन अंडर हिम द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर्स आर देयर, सो बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अ मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट,
If a person who is not a member of either house of parliament is appointed a minister, he shall cease to be a minister after 6 months, unless in the meanwhile he manages to get elected to either of the two houses. Ministers may be chosen from member of either house, and a minister who is a member of one house has the right to speak in and to take a part in the proceedings of the other house, though he has no right to vote in the house of which he is not a member. Now what does it all mean? कि प्राइम मिनिस्टर चुनता है अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. नाउ दीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस. कोई ना कोई एक हाउस का मिनिस्टर मीन्स मेंबर होना चाहिए. उन मेंबर्स में से ही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनता है. और अगर वो मेंबर नहीं है तो उसको मेंबर बनना पड़ेगा. ईदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर उनको बनना पड़ता है टू बिकम अ मिनिस्टर. ओके, अब वो किसी भी हाउस का अगर मेंबर है तो वो अपने हाउस में बोल सकेगा और वोट भी दे सकेगा. दूसरे हाउस में सपोज वो लोकसभा का मेंबर है तो वो लोकसभा में ही कैन स्पीक, ही कैन गिव हिज सजेशंस एंड ही कैन इवन वोट. दूसरे हाउस में वो बोल सकेगा, अपने सजेशंस दे सकेगा, बट वहां पे वो वोट नहीं कर सकता है. मीन्स अ मेंबर ऑफ वन हाउस कैन नॉट वोट इन द अदर हाउस. Now the powers of Council of Ministers, executive powers. The ministry exercises all the executive powers. जो उसके ministers हैं उनको executive powers हैं. All the department of government are under the control of ministers, and it is their responsibility to run the administration smoothly. Okay, जो ministers हैं उनको अपना अपना department संभालना है, उनको अपना administration देखना है कि हमारा जो हमारे department का administration is being run very smoothly. The Council of Ministers laid down the policy of the government, and in light of that, department work is carried out. Okay, वो Council of Ministers अपने department की policies बनाते हैं और उन policies के हिसाब से अपने department को run करेंगे. The Council of Ministers executes the decisions taken by the cabinet. They maintain order and peace in the states. Okay, these ministers decisions लेते हैं अपने cabinet का, अपने ministry का. एंड देखते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है दैट वर्क्स इन अ वेरी पीसफुल एंड इन एन ऑर्डरली वे. ऑल द बिग एंड इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर मेड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो भी डिसीशंस हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं. मतलब द प्राइम मिनिस्टर इवन टेक्स द एडवाइस ऑफ ऑल सच मिनिस्टर्स. नाउ देर आर थ्री डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द फर्स्ट इज द कैबिनेट मिनिस्टर, the state minister and the deputy minister. The cabinet ministers, they have got the different departments. Like finance department is one cabinet, the finance minister is there for that department. Railways is one department, that is one cabinet. Okay, तो ऐसे अलग अलग cabinet ministers होते हैं जिनको अपना अपना department दिया जाता है. Then there are state minister. उन स्टेट मिनिस्टर्स को अपना अपना स्टेट दिया जाता है संभालने के लिए. लाइक गवर्नर्स आर देयर और द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, वो अपना स्टेट संभालेंगे. एक डिपार्टमेंट अलग चीज होती है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर संभालता है, स्टेट को चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर संभालते हैं. एंड द लास्ट आर द डिप्टी मिनिस्टर्स. डिप्टी मिनिस्टर्स जिसको हम बोलेंगे दे आर लाइक यू नो असिस्टेंट्स टू दीज मिनिस्टर्स, दे आर द हेल्पर्स टू दीज मिनिस्टर्स. Now the principles on which the cabinet system of government functions, that is accountability and responsibility, individual responsibility of the ministers, role of the prime minister. Now these ministers, they have got their own responsibility to handle their own department. Okay, अगर वो state का minister है तो उसको अपना state संभालना है, but they will work according to the, we can say, advice or suggestions or जिसको बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर के कहने पे वो सब संभालेंगे. मींस द हेड ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स या स्टेट मिनिस्टर्स का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर. द कैबिनेट मिनिस्टर्स इज अ लार्ज बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स. द मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक आर अबाउट 20 to 25 एंड दे होल्ड द चार्ज ऑफ इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स. द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज. I told you cabinet are different and state ministers are different. The another category of ministers known as deputy ministers are attached to cabinet ministers or ministers of state.
कैबिनेट मिनिस्टर्स के नीचे डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स के नीचे डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं, मीन्स दे आर लाइक असिस्टेंट्स. द कैबिनेट मीटिंग इज ओनली अटेंडेड बाय द मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक, बट इफ देर इज अ नीड देन द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट मे ऑल्सो बी इन्वाइटेड फॉर द मीटिंग. कैबिनेट मिनिस्टर्स की अपनी एक मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें सब कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे. जरूरत पड़ेगी तो वो स्टेट मिनिस्टर्स को भी बुलाते हैं. ओके, सो द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई थिंक एवरीबडी नोज हिम एंड वेल नोन पर्सन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, आवर प्राइम मिनिस्टर. ओके, ऑल दिस वॉज अबाउट आवर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एवरीथिंग इज गिवन ऑन पेज नंबर 79. ओके, गो थ्रू इट बेटा. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.